जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि जून 2023 टी आपणकर किपर रह गोचर अनुसार कौन रही आपणकर कैरियर आर्थिक स्थिति दाम्पत्य जीवन शिक्षा प्रेम स्वास्थ्य सब किपर रही ही मुझे गोटे गोटे जनइबी एवं तासह प्रतिकार कौन रही जनइबी। तो भिडियो संपूर्ण रूपे जानवा आगर जो मैंने भी सिंह राशि बोले आपड़ जब आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ आ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। भिडियो जब आपन को पसंद आसता है ताहले गोटे लाइक टी निहाती कर दिंतु एवं कमेंट्स रे आपन केउ जगार यही भिडियो देखुंट आपण स्थान नाम निहाती लिखत जो द्वारा मुझे जानवी कि क्यों जगार आप देखुंट। सिंह राशि बोले देखो आप राशि आराध्यपति होंगे सूर्यदेव। देखो आपणकर बारतम घर रही मंगल शुक्र एक साथ सप्तम घर रही शनिदेव। शनिदेव आपणकर सप्तम घर मालिक निज घरे ही रही नवम घर रही बुध गुरु राहु एक साथ दशम घर रही निज राशि आराध्यपति सूर्यदेव। तृतीय घर रही केतु। आसन जानवा कैरियर विषय देखो आपणकर भाग्यर मालिक होंगे मंगल एवं कैरियर मालिक होंगे शुक्र। मंगल शुक्र एक साथ पुणी बारतम घर रही तो सिंह राशि बोले यही जून मास टिके सावधान हो कहबी कारण कौन कहीं कहार सावधान हो पड़ो ताक जनाऊँगी। देखो सिंह राशि बोले एवं वर्तमान आपणकर मान कथ कह टेंशन बहुत लगी रोथ्व काम कार्य बिना मतलब एक्स्ट्रा टेंशन हटात आघात होगा माने लोक आपण को देखिक चिड़चिड़ होगा लगे ये सब आप घटू एवं ताहा जून मस निजर ऑफिस रे निज कार्य क्षेत्र में बॉस को ठारो आपण लोभछोप देखा पारे आपन को लगे पारे मुझे कम करी मुझे कम छाड़देवि अगर कौन सी जगह कम देखी करी जोड़ा कि आम बिना मतलब एक्स्ट्रा टेंशन जोड़ा कही था जो मान न चाहिए भी हो जाए कले झड़ा टेंशन से सब आपण को देखा दे पारे एवं आपण कि जन एमती भी थे कि टंका पैसा मागुवे आपण को टंका पैसा लुटबार प्लान करेंगे आपण जदि पकेट किसी टंका अच्छी तो बैंक बालान्स अच्छी तो सेटा के ही जाने की मत सा कर मत टार आवश्यकता अच्छी यह आपंप घटित एवं ताहा जून मस घटा जाऊँ। तो यही जगह मैं कहवाकू जाऊँ टी सावधान रुंतु टंका पैसा मामलें कारण यही जो समय जो आपणकर वर्तमान मंगल एवं शुक्र बारतम घर रहा एत कि भल ना टंका पैसा मामलें हो क्या कली कब्जा मामलें टे सतर्क रुंतु आउ गोटे कथा जान रखु सिंह राशि वाले हठात क्या विश्वास करूँ ना टोटाली ना क्या विश्वास करूँ ना जब आप विश्वास करदे तो जान जा तो जगार ही आप फसिले थे विश्वास करदे मैं से जगार जो जगह आप फसी जाते ना से जगह बाहर बड़ कष्टर होता है। आप देखो सिंह राशि बोले सूर्यों राशि अटंती आप राजा पर जी था यह सत्य अटे किंतु लोके आपण को बहुत आघात दे था आपण बहुत सारा टंका पैसा लुटी नहीं था कारण गोटे ही अटे जी मिठाला रसलिया कथा लगे आप कथा विश्वास कर दिखती आप पूजा पाठ बहुत करती पूजा पाठ करने जो ही आपे आप जिते ठकामी ठकिले आप ते पड़ी ठिया होता कि मन को कष्ट होता है से हठात विश्वास करूँ ना एवं कम कार्य जहाँ भी करूँ ठीक से कर चलतु मानने टेनसन हूँ ना कारण आपणकर कम कार्य दायित्व बढ़ जोग रही जून मस मनटा कौटना कौटी आप असंतुष्ट लगे यह सत्य अटे। स्वास्थ्य विषय जानवे देखते स्वास्थ्य आपंकर भल रही है अलसमी बढ़ो आपणकर गोटे कथा को बारंबार आप भावि बस गोटे कथा आप मन को मानने बारंबार बारंबार चलो से कथा हूँ तो आप पर्सनल लाइफ कथा जमी कहली अफिस् कार्य क्षेत्र में किंबा निज रिलेट भितर निज पर भितर अशांति आप देखा पाए तो से कथा आप मन को आसीपे तो से टे सावधान रुंतु मानने आपण मन को सब खुशी रखा चेस्टा करूँ कारण कथा बारंबार भाविले किसी चेंज हुए नहीं
आहुरी टेंशन बढ़ी थाए। शिक्षा विषय जानवा देखो पंचम घर विचार कर पंचम घर मालिक हूँ गुरुदेव। देखो गुरुदेव नवम घर रही भल रही पढ़ा को नहीं आपण मन लगे पढ़ा को नहीं आप बहुत सीरीयस हे कि नहीं मत पाठ पढ़वार अच्छी मैंने पढ़वार अच्छी मत भल ना रखार अच्छी मैंने पढ़ा को नहीं आप बहुत जिद्दी करेंगे और से जिद्दीटा आपन को सक्सेस करदेव निज स्कूल कॉलेज रे आपन गोटे भल ना रखिए भल स्टूडेंट हे आपण एवं तासह आपण भल रिजल्ट देखा पाइबे। लोके आपणकर माने जो मैंने विद्यार्थी अच्छा लोके आपण को विद्या को नहीं आपण प्रशंसा करेंगे और तासह आपण सहित मिसिया को चेष्टा करेंगे कतोटी सांगसाथी मैंने आपण कि विद्या हासिल करने चेष्टा करेंगे तो बहुत भल रही। लव लाइफ विषय जानवा देख गुरु राहु एक साथ रही तो कौन होने गुरु राहु एक साथ रहा चांडाल दोष लगी थे तो यही जो चांडाल दोष सिंह राशि वाले आपण कौन प्रभाव पड़ जो मैंने लव रिलेशनशिप अच्छा ही टे नेगेट प्रभाव पड़ मिसअंडरस्टैंडिंग देखाई किंतु अटैचमेंट रुजन जन भाई अट्राक्शन अटैचमेंट किंतु मिसअंडरस्टैंडिंग हम मिसअंडरस्टैंडिंग हेले आपण मनरे प्रति किसी नेगेटिव आसवनी कि मुझे पसंद करी छाड़देवी एमती आपण मन को आसवना कि आपण पार्टनर मन को आसवना कि आपण को लगे कि जेहेतु ये समय ही खराब समय चलुच्छे तो ये से भी एमती हूँ मो सांगे आपण मन को एक कथा आसव नि। दाम्पत्य विषय जानवे और दाम्पत्य विषय जानवे कहे सप्तम घर विचार कर सप्तम घर मालिक होंगे शनिदेव। शनिदेव निज घर ही रही देखो शनिदेव निज घर रही गोटे भल कथा जो मैंने सिंह राशि निज पार्टनर को छाड़ना अलग रही जाइए मिसाक चाहूल किसी पार नदी भी आपण अलरेडी डिवोर्स हो सारी तथापि आपण मनरे निज पार्टनर प्रति मानने कथा मन पड़ी जहाँ करदे हड़बड़े करदे लाइफ टेंशन जो आपण बढ़ुची पुणी मिसबे केमी मिसबे कौन मिसबे सर शनिदेव ही जानते कि सप्तम घर शनिदेव रहा दाम्पत्य जीवन मजबूत मजबूत करदे। दाम्पत्य जीवन में जहाँ भी असुविधा थी ता दूर करेंगे पुणी दुई दाम्पत्य मिसबे जदि सिंह राशि वाले आपण बहुत एपर्त होना बयस गढ़ी गढ़ी चलती चाहूंट बहुत करने तो जदि आप प्रस्ताव खोजे तो निहाती मिल बहुत भल रही सिंह राशि वाले एवं जो मैंने पार्टनरशिप बिजनेस भल रही तो कौन करी सिंह राशि वाले कि सबकि आप इच्छा चलो ग्रह मान अशुभ प्रभाव खंडन हो जाओ। देखो तो सिंह राशि वाले जमी टिके आगे कहली जून मसरे कली कब्ज ठार दूरे रहा उचित तास टंका पैसा टिके भाभी चिंती खर्च करवा उचित एवं टंका पैसा जी किए मगुच्च साहय करवा भल किंतु जाशु आपण को लुटा ता भल ना तो से जो मैंने टंका पैसा आप मगुच्चे परिमाण साहय चाहती कथा के दूर जाए सत्य अटे ताद भावा उचित एवं आपणकर मानने यही समय टेंशन तो बढ़ ही बढ़ तो टे भाभी कि कम करूँ यही बेल को जनाऊँ कि जून मस कौन घटी पाए कि टेनसन एबुठ टेनसन रही जानी आज मो पार्टी कौन मैं लगुच मुझे जापार तो एबुठ टेनसन आपण रही तो भाभी चिंती कम करवा उचित तो कौन कर देखो सूर्यदेव को तो जल अर्घ्य देवे प्रत्येक दिन सका स्नान कर जल अर्घ्य देवा आपण गोटे नियम मानि चलतु यह आपण भल एवं सूर्यदेव जब जल अर्घ्य देवे मंत्र जब जपिबे ओम आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः यही मंत्र निहाती जप करंतु एवं गायत्री मंत्र से ही जगह ही रही जल अर्घ्यटा दे सारापर से जगह ठिया ही बाहर ही सूर्यदेव को माने देखिकी ही गायत्री मंत्र जप करंतु आपण मन शांति रहिबो तासह जो मानने घरे आपण बारंबार कली झगड़ा जो लगी रही जिते आप
ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ନାଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ରହିନଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ରହିନଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। 12ଟି ରାଶିରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟିଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ମୁଦିଟି, ପିଓର ତମ୍ବା ଥିବା କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ତମ୍ବା କୁଡ଼ା, ପିତ୍ତଳ କୁଡ଼ା, କଂସା କୁଡ଼ା ଜାଣି ନ ପାରିକି ମାନେ କଂସା ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, କିମ୍ବା ମାନେ ପିତ୍ତଳଟା ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଓର ତମ୍ବା ହେଇଥିବା କଥା ସେ ମୁଦିଟା ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର କହିଥାଉ, ସେଇ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ସେ କଣ୍ଟାରେ କେବେ ବି ଗେଞ୍ଜିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହଉଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆମ ଉପରେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ମୁଦି ଧାରଣ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କିସ୍ମତର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଫିଟିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।